मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास 1 नवंबर को आरंभ हो जाएगा और कार्तिक मास में सभी चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारे त्यौहार और व्रत आएंगे और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और इसी महीने में ही भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुलसी की पूजा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है वृंदा यानी कि तुलसी, तो इस महीने में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा का क्या महत्व है और कैसे की जानी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इस महीने में दीपदान का क्या महत्व है और दीपदान कैसे करें और इस महीने में किन किन चीज़ों को करना वर्जित है, किन किन चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस मास की व्याख्या करते हुए कहा था, पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, मासों में यानी कि महीनों में कार्तिक मुझे प्रिय है और दिवसों में यानी कि दिनों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के सबसे निकट है। तो इसलिए इस महीने में तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी की जन्म तिथि माना गया है और इसलिए इस माह में तुलसी पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तुलसी के जन्म में के विषय में अनेक पौराणिक कथाएं जो हैं वो मिलती हैं। इसमें जालंधर राक्षस और उनकी पत्नी वृंदा की कथा प्रमुख मानी गई है। जालंधर और वृंदा की कथा जो है वो भगवान, बाद में जो वृंदा है वो तुलसी के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु की जो प्रिय सेविका बन जाती है। तुलसी पूजा का क्या महत्व है? कार्तिक मास में तुलसी का जो पूजन सेवन का विशेष महत्व माना गया है। वैसे भी अगर आप अपने घर में बाल गोपाल की पूजा करते हैं, आपके घर में बाल गोपाल है, तो उनका कोई भी भोग जो है वो बिना तुलसी के, बिना वृंदा के नहीं लगाया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही अपने नियम को बदल दीजिए। तुलसी ज़रूर रखिए उनके भोग में, चाहे वो जल है, चाहे दूध है, चाहे आपका प्रॉपर भोजन है, तुलसी का भोग लगाने से उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कोई भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी ज़रूर रखें। तुलसी के बिना आपका भोग अधूरा है। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का निवास रहे, तो उसे तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहीं तुलसी हरी भरी रहती है। जहाँ शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी सूख जाती है या फिर कभी भी हरी भरी नहीं होती है, नहीं ठहरती है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप सुबह शाम दीपक जलाया जाता है, जिससे जो मनुष्य है वो अत्यंत पुण्य का भागी होता है। जो तुलसी को पूजता है उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा बरसती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नामक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कार्तिक मास में तुलसी पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, तो इसलिए तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी की जो पूजा है वो ज़रूर करनी चाहिए। अब तुलसी की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए? तुलसी के पौधे के चारों तरफ एक स्तंभ बनाकर उस पर तोरण सजाएं।
आप तुलसी को जैसे मर्जी सजा सकते हैं, साड़ी पहना सकते हैं, चुन्नी चढ़ा सकते हैं, आजकल लहंगे भी तुलसी के लिए आ रहे हैं तो वो भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। तुलसी का जो स्तंभ है, गमला है या कोई भी आपने पौधा लगाया हुआ है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं रोली से, और अष्टदल कमल आप उस पर बनाएं, चाहे तो आप चावल से भी बना सकते हैं। साथ ही शंख चक्र और गाय के पैर भी ज़रूर बनाएं। तुलसी के साथ साथ गाय की पूजा भी ज़रूर की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को जो गाय हैं वो भी बहुत प्रिय थी। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं, तुलसी का पंचोपचार स्वर्ग पूजा करें। जो आपको मंत्र बोलना है वो आपको दक्षाक्षरी मंत्र बोलना है, उसका आह्वान करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं ए वृंदावने स्वाहा मंत्र का जाप करें, घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाकर सिंदूर रोली चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी जी पर वस्त्र चढ़ाने के बाद आप लक्ष्मी अष्टोत्र पढ़ें और दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीप दान करें और सुबह शाम तुलसी में आपको दीपक ज़रूर जलाना है। अब बात करते हैं कि दीप दान कैसे किया जाता है और दीप दान का क्या महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास में दीप दान ज़रूर किया जाता है और दीप दान का विशेष महत्व माना गया है। अब बात करते हैं कि दीप दान कैसे किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई धार्मिक आयोजन, पवित्र नदियों पर पूजा स्नान कर्म कांड का भी नियम है, विधान है। 12 वर्षों के मास में 12 जो मास आते हैं में कार्तिक मास आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा के संचय के लिए सबसे अधिक विशेष माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। इसमें दीपदान का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन दीपावली देवताओं की मनाई जाती है। गंगा स्नान करने का शुभ महत्व है और गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। इसी दिन त्रिपुरासुर का अंत हुआ था। त्रिपुरासुर नामक के दैत्य का आतंक, तीनों लोक उससे भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। त्रिपुरासुर ने प्रयाग में काफ़ी दिनों तक जप किया, उस तप से तीनों लोक जो हैं वो जलने लगे थे। तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और त्रिपुरासुर ने उन्हें वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पक्षी और निशाचर न मार पाएं। इसी वरदान के से जो त्रिपुरासुर था वो अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस दैत्य के अंत का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अंत का रास्ता बताया। देवता भगवान शंकर के पार पहुँचे और उनसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना की। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया और महादेव ने तीनों लोक में दैत्य को ढूंढा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया और उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। उसी दिन उस देवताओं की खुशी में शामिल होने को ही दीपदान किया जाता है। अपने घर में जैसे हम दिवाली पर दिए जलाते हैं, वैसे ही आप किसी पवित्र नदी पर, तालाब में जाकर या फिर तुलसी के सामने भी दीपदान कर सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु जो हैं वो उठते हैं, 4 महीने की निद्रा से उठते हैं, उस खुशी में भी दीपदान किया जाता है। तो दीपदान में जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से मुक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्रीहरि के मंदिर में दूसरे रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नर्क
नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे रखे दीपों को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म पा लिया था। तो ऐसा किया जाता है, ऐसा बहुत अनंत काल से चलता आ रहा है कि ऐसा ही मनाया जाता है। ऐसे दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति भगवान विष्णु के मंदिर का दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नारकी नहीं होता है। दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की देवगुण विष्णु ग्रह में ही कामना करते हैं, तो इसलिए दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। और अब बात करते हैं कि इस महीने में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो वर्जित होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करी जाती हैं। कार्तिक महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है, शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता। इस महीने में केवल एक दिन नरक चतुर्दशी के दिन ही अब तेल लगा सकते हैं, पूरे माह पर शरीर में तेल नहीं लगाएं। कार्तिक मास में दलहन यानी कि दालों का जो सेवन है वो निषेध है, नहीं करना चाहिए। इस माह में उड़द, मूंग, मसूर, मटर और राई आदि का सेवन नहीं किया जाता है। तप करना विशेष है, तप करना बहुत अच्छा माना जाता है और अपने तन और मन दोनों पर ही संयम रखना चाहिए। इसलिए इस माह को पूरा अपनी भक्ति में लगाएं, ईश्वर की भक्ति करें। बाल गोपाल घर में बैठे हैं, भगवान विष्णु हैं घर में, उनकी पूजा कीजिए। कार्तिक महीने में रोज सुबह उठकर नहाएं, पूजा पाठ कीजिए, तुलसी की पूजा कीजिए सुबह शाम, बहुत अधिक किसी भी महीने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। मन पर नियंत्रण रखें, कम बोलें, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 8920341551 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी फेसबुक इंस्टाग्राम के नीचे शो हो रही है। आप मुझे कहीं पर जाकर भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, कोई भी वीडियो के से रिलेटेड, तो मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। कॉल, व्हाट्सएप, कुछ भी आप मुझे कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।